नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। हमारे आईपीएल गेमिंग सीरीज 2019 के मैच नंबर 23 में हम लोग आए हैं और मुंबई पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है ये मैच। और हमारे इस गेम की बात करें तो गेम का नाम है रियल क्रिकेट 18। हमारे मैच सेटअप की बात करें तो एक्सपर्ट मोड में हमने रखा है ये मैच। उसके अलावा पिच की कंडीशन ड्राई है, नाइट का मोड है, नाइट के समय में हम लोग खेल रहे हैं मैच को, बारिश की कोई संभावना नहीं है। और बाकी सब हम आपको बातें करते रहेंगे मैच के बारे में। यही मेन सेटअप था हमारा, देखते हैं कौन जीतता है टॉस। हम लोग बने हैं इंडियंस, यानी मुंबई बने हैं हम लोग, और हमारे सामने है पंजाब। पिच कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा है, हर वक्त 23-24 रहता है। पिच जो स्टेडियम है वो मुंबई का ही है। तो देखते हैं हम लोग, हमने कॉल किया है हेड्स के लिए, कॉल किया। कल के दिन हम लोग हार गए थे टॉस हेड्स लेके, परसों के समय जीते थे। अब देखते हैं आज क्या होता है। जी आज तो जीत गए हम लोग। अब हम लोग लेंगे पहली बैटिंग। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं पहले बैटिंग ले, ताकि हमें दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देनी पड़े। क्योंकि अगर हम पहले बॉलिंग ले लेते हैं तो भले ही ये इस गेम का सबसे हार्ड मोड हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन हमारा अपोनेंट जो है वो बहुत ही अजीब क्रिकेट खेलता है। तो हम चाहते हैं कि बराबर की टक्कर हो, और उसी टक्कर के कारण हम लोग पहली बैटिंग ले रहे हैं। एम्पायर्स ऑलरेडी आ चुके हैं पिच की तरफ बढ़ते हुए, और मुंबई की टीम की बैटिंग है। पहले देखना होगा पंजाब किसको ओपनिंग बॉलिंग करवाता है, क्योंकि घूम फिर के तो हमको अंत के 15-5 ओवर ही खेलने हैं। तो देखना होगा क्या मेन बॉलर से शुरुआत कराते हैं, या फिर किसी स्पिनर, या तो फिर किसी पार्ट टाइम बॉलर से शुरुआत कराते हैं। यादव और किशन आए हैं शुरुआत करने। लुइस को हमने अंत के लिए रखा हुआ है, ताकि ब्रूटल बैट्समैन का हम लोग फ़ायदा उठा सके अंत में। ऐसे भी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता ब्रूटल बैट्समैन। हार्ड मोड होता है तब बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, पर एक्सपर्ट मोड में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा है मुझे। ब्रूटल, रेडिकल, नॉर्मल, डिफेंसिव प्लेयर और उसके बीच में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा है, देखते हैं। पर हाँ, हार्ड मोड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी टीम में ज़्यादा ब्रूटल बैट्समैन हो तो डेफिनेटली मैच आप आसानी से जीत सकते हैं, और इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं कि ख़राब बॉलिंग के बावजूद भी आप आसानी से मैच जीत जाएं। यहाँ पर काउंट डाउन शुरू हो चुका है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही मैच चालू हो जाएगा। गेम ऑन हो चुका है, हम अपना जो गेमिंग फॉर्मेट है उसी हिसाब से खेलेंगे। शुरू के 5-5 ओवर 3 बार हम लोग करेंगे ऑटो प्ले, यानी 15 ओवर का ऑटो प्ले होगा। टाई को भी ओवर करा रहे हैं अभी तक, और हमने अभी तक एक विकेट खोया है। लुइस आ चुके हैं, रोहित शर्मा आ गए, 2 विकेट एक्चुअली खो दिया है, और 90 रन हमने बनाए हैं। लगभग 84 के आसपास स्कोर होता है, तो 6 रन ज़्यादा बने और 137 बने 15 ओवर के बाद। लेकिन एक विकेट और भी खो दिया, लुइस का विकेट गंवा दिया है। शर्मा और कटिंग खेल रहे हैं, इसके बाद पंड्या आने वाले हैं, पोलार्ड आने वाले हैं, और हार्दिक पंड्या भी आने वाले हैं। यानी कुणाल पंड्या पहले, फिर पोलार्ड और फिर हार्दिक पंड्या। इन तीनों ब्रूटल बैट्समैन हैं शायद मेरे ख्याल से, और तीनों अग्रेसिव बैट्समैन हैं, तो मज़ा आने वाला है हमारे लिए मैच में। मोहम्मद शमी से बॉलिंग करवाने, पहले ही ओवर हमको एक अच्छे बॉलर के सामने खेलनी है। फील्डिंग सेटअप काफ़ी बढ़िया है, लेकिन गेंद भी बढ़िया डाली है। तो अभी इस बार तो हम लोग थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे, लेकिन अगली गेंद अगर इन्होंने आगे की तरफ डाली तो हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे मारने की। इसमें कीपर ने काफ़ी लंबी डाई मारी थी पर पहुँच नहीं पाए। देखते हैं गेंद कौन सी डालते हैं। अगर बढ़िया गेंद है, बहुत बढ़िया गेंद है, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ एक अग्रेसिव शॉट खेलने की। मोहम्मद शमी ने 2 ओवरों में 22 रन दे दिया। अरे ये क्या है, सिंगल डबल ही आ रहा है सर। काफ़ी अच्छी यहाँ पर डीप में फील्डिंग कर रहे हैं बॉल बैट्स फील्डर, क्योंकि गेंद इसमें मुझे लगा बाउंड्री जाएगी, लेकिन काफ़ी कवर किया था, रनिंग बहुत फास्ट थी और जाने नहीं दिया गेंद को बाउंड्री के पार। इस बार भी नहीं जाने दिया है, बहुत बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग का परफॉर्मेंस देते हुए हमारे पंजाब के प्लेयर्स। 3 गेंदों में 5 रन आए हैं, अगर हम देखें तो 22 रन दे दे 2 ओवरों में, तो काफ़ी महंगी और काफ़ी ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं आज के मैच में। पर देखते हैं इस ओवर में कितना कमाल कर पाते हैं। अभी तक तो कोई ज़्यादा रन दिए नहीं, यहाँ पे बीट भी कराए हैं, बहुत बढ़िया बॉलिंग, काफ़ी बढ़िया रिवर्स स्विंग हुई थी, गेंद टप्पी खाने के बाद काफ़ी बढ़िया स्विंग हुई थी, और यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद है। हम लोग चाह कर भी अग्रेसिव शॉट नहीं खेल सकते अभी।
चार गेंदों में से पांच रन दिए हैं तो मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया ओवर गई अभी तक, पांच गेंदों में छह रन आते हुए, एक गेंद बाकी है। अगर बाउंड्री मार देते हैं रोहित शर्मा यहाँ पर, अगर फुल लेंथ डिलीवरी आ जाती है या बहुत बढ़िया गेंद है, मार सकते हैं चाहे तो इस गेंद पर। दिखना होगा किस तरह की टाइमिंग पे खेलते हैं, खेला है इस बार और जिस बात का डर था वही हुआ है, बाउंड्री मिल गई है। पर गेंदबाजी बहुत बढ़िया की थी, आखिरी गेंद को अगर छोड़ दें हम लोग तो सभी गेंदें बहुत ही बढ़िया थी, खास करके फील्डिंग के कारण दो बार बाउंड्री बची है तो उसका भी क्रेडिट जाता है फील्डर्स को। ये रिप्ले है हमारा, पहली बाउंड्री लगती हुई हमारे आज के मैच की, और अच्छे प्लेयर का यही फायदा है, दुश्मन के घर में घुसकर आतंकियों पर बनाया। फिर एक बार मोदी सरकार कमल का बटन दबाइए, एडवर्टाइज था। क्रिस गेल को बुलाया गया बॉलिंग में, काफ़ी सरप्राइज है यहाँ पर इनको देख के बॉलिंग में, जल्दी देते हैं नहीं इनको बॉलिंग, और अच्छी बात है मेरे ख्याल से, तो फ़ायदा ही है। हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर गैप निकालने की, देखते हैं गैप निकलता है कि नहीं। जी नहीं, गैप तो नहीं निकला है, सिंगल आया है और सही फैसला भी है, क्रिस गेल को ओवर देना बहुत सही फैसला है क्योंकि स्पिनर के खिलाफ हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। मुझे अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि किस टेक्निक से गेंद डालनी चाहिए, किस टेक्निक से खेलना चाहिए स्पिनर्स को, लेकिन इस बार गैप ढूंढने में सफलता मिली है। मैं आपको बता दूं कल के दिन भी हमने एक गैप ढूंढने में काफ़ी सफलताएं मिली थी हमें पहली ओवर में, तो आज उसी टेक्निक को मैं उसी टाइमिंग को मन में ध्यान में रख के खेल रहा हूँ। ये पहली गेंद हमने खेली थी वो थोड़ी गलत लगी थी मुझे, लेकिन इस बार काफ़ी बढ़िया सोच के हमने खेला था और बाउंड्री मिली है। फील्डिंग सेटअप बदलता हुआ मेरे ख्याल से हमारे लिए अच्छा होगा फील्डिंग सेटअप में, जी हाँ बहुत बढ़िया है, सामने पूरा गैप मिल गया है हमें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का शॉट खेला है, नहीं लगाए शॉट परफेक्ट, काफ़ी लेट खेला है। अंपायर ने तो ना कहा है रनआउट के लिए, पर पेन कटिंग के पास मौका है, कम से कम तीन या चार बाउंड्री लगा सकते हैं इस ओवर में अगर चाहें तो। देखिए लगती हुई पहली गेंद पे बाउंड्री लगी और मौका है इनके पास, मेरे ख्याल से आराम से वो रोहित शर्मा को बीट कर सकते हैं अगर रन की बात करें तो। गेंदें बहुत कम ली हैं रोहित शर्मा ने तो उनकी तारीफ करनी होगी इस बारे में। फिर से एक बार फिर से चार रन लगते हुए, दो बाउंड्रीज बैक टू बैक, ओवर लग तो रहा था अच्छा जाएगा, लेकिन एक गैप ढूंढने के बाद पंजाब के कप्तान ने फील्डिंग चेंज का फैसला किया था और वही फील्डिंग चेंज का फैसला यहाँ पर गेम चेंजिंग हो सकता है। जी नहीं, वापस से फील्डिंग चेंज की गई है, इस बार पुरानी वाली फील्डिंग जी नहीं, काफ़ी अलग फील्डिंग है, लॉन्ग ऑन पे थोड़ा बहुत गैप है, देखते हैं हम लोग। देखिए इस बार खेला तो सामने की तरफ है लेकिन दो रन ही आ पाएंगे अधिक से अधिक क्योंकि फिल्टर मौजूद है, पर लेकिन अच्छा ओवर जाता हुआ अभी तक, तीन चौके लगे हमारे, ऊपर से दो बार रन आया है तो काफ़ी बढ़िया ओवर रहे हैं यहाँ पर। स्कोर आप गिन सकते हैं, 12 दो 14 रन और 16 रन आए ओवर से, बहुत बढ़िया ओवर, बहुत बढ़िया ओवर। अब तेज गेंदबाज को ला रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि तेज गेंदबाज के खिलाफ हम लोग अच्छा खेलते हैं, अब ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है वो भी पता चलेगा। जी हाँ यहाँ पे तो बढ़िया डिसीजन लेता हुआ रोहित शर्मा के बैट से एक और बाउंड्री निकली है, 38 पे पहुँच गए। मोहम्मद शमी को ही ओवर दी गई है, पता नहीं 10 रन के ऊपर से उनका रन रेट है, तीन ओवर में 32 रन दे चुके हैं, लेकिन विश्वास है कप्तान को उनके ऊपर और यही विश्वास का रिजल्ट है कि आखिरी ओवर भी उनको दिया गया, चौथा ओवर भी करवाया गया उनसे, पर ये गलत डिसीजन हो सकता है, देखना होगा। फील्डिंग सेटअप तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, एक और बाउंड्री लगती हुई, गलत डिसीजन जाता हुआ यहाँ पर, डीप में फील्डर कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इतना बढ़िया गैप फाइंड किया है शर्मा ने कि इसे आप बाउंड्री जाने से नहीं रोक सकते। हम रिप्ले देखेंगे, हमने जहाँ पे हिट किया था गेंद काफ़ी बढ़िया गैप मिला है, फील्डिंग सेटअप चेंज होता हुआ देखना होगा नई फील्डिंग किस तरह से की गई जाएगी। बहुत बढ़िया फील्डिंग सेटअप मेरे ख्याल से, सामने शायद प्लेयर नहीं है तो हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। जी हाँ सामने प्लेयर नहीं है, ख़राब फील्डिंग सेटअप, लेकिन शॉट भी टाइमिंग से खेलना होगा, अगर आपको गैप चाहिए तो आपको शॉट टाइमिंग से खेलना होगा, लेकिन दो रन आता हुआ, 10 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, तीन गेंदों का खेल हुआ है अभी इस ओवर में, बाकी तीन गेंदें बाकी हैं। हम लोग इस बार लेग साइड खेलेंगे, हमने पता नहीं क्यों लेग साइड नहीं देखा था, ध्यान ही नहीं गया, लेकिन अब ध्यान गया है और अब हम नहीं छोड़ने वाले इनको। बहुत बढ़िया शॉट, इतना हुक शॉट खेला है, दो तीन नहीं काफ़ी गेंद काफ़ी बाउंस खाते हुए गई है, टाइमिंग उतनी सही नहीं थी, लेकिन 30 yard अगर आप उदा देते हैं यहाँ पर फील्डिंग सेटअप में तो फिर आपको बाउंड्री से कोई नहीं रोक सकता।
वही हुआ है यहाँ पर। देखिए 38 क्रॉस किया, कुछ इतना अच्छा नहीं खेले थे, सिर्फ 38 क्रॉस कराया और 4 रन ऐड होते हुए उनके स्कोर कार्ड में। फिर से कोशिश होगी यहाँ पर, फिर से वही कोशिश होगी लेग साइड में मारने की, देखते हैं क्या होता है। ओवर तो बहुत ख़राब जाता हुआ, लेकिन इस बार 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 16 रन लगभग आ चुके हैं ओवर में, 5 गेंदों का खेल हुआ है, रन रेट 10 को क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पर खुश होते हुए मुंबई इंडियंस के डगआउट में जो प्लेयर्स हैं काफ़ी हौसला बढ़ाते हुए, कप्तान का रोहित शर्मा का यहाँ पर 50 पूरे किए हैं 22 गेंदों में से, 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो ज़बरदस्त फॉर्म में है। अभी भी स्ट्राइक पर भी है, तो अभी एक और बाउंड्री लगा सकते हैं अगर बैट पे आई तो, देखना होगा। जी नहीं, अभी तो 2 रन ही आया है, फिर से एक बार 18 रन आते हुए ओवर का, मोहम्मद शमी के बहुत ख़राब ओवर, 50 रन कर चुके हैं मोहम्मद शमी भी अपनी बॉलिंग में। देखिए पिछली ओवर से अच्छा ओवर गया है, तो अच्छी बात है। रविचंद्रन अश्विन को बुलाया गया है बॉलिंग में, खुद आए हैं कप्तान बॉलिंग करने, 19वां ओवर डालेंगे, 201 प्रेडिक्शन स्टोर है। लेकिन फील्डिंग सेटअप आपका बहुत ख़राब है, जब तक आप फील्डिंग सेटअप चेंज नहीं करेंगे, आगे की तरफ प्लेयर नहीं रखेंगे, ये ओवर आपके लिए ख़राब होने वाला है। पहली ही गेंद पे बाउंड्री लगाई है, अभी तक एक ओवर किया है सिर्फ अश्विन ने, 8 रन दिए हैं, तो अच्छा ओवर जा रहा था पहला उनका। अब यहाँ पर तो पहली ही गेंद पे बाउंड्री खा बैठे हैं, हम देखते हैं। पहली गेंद पे चौका लग चुका है, दबाव में होंगे, ये वाइड गेंद हो सकती थी लेकिन होगी नहीं, अब बॉडी पे हिट हुआ है, बढ़िया गेंद है। अगर आप गुड लेंथ या शॉर्ट पिच रखते हैं तो हम सबको पता है कि इस गेंद पर से शॉट लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप फुल लेंथ डिलीवरी रखते हैं स्पिनर के लिए तो फिर तो आसानी से बैट्समैन मार लेगा आपको। यहाँ 2 रन आएंगे, अच्छी बात है, पैन कटिंग 42 पे पहुंचेंगे, 3 की कोशिश कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत क्विक होते शुरू में, शायद मौका मिलता 3 रन का, कोई बात नहीं। यहाँ पर लग रहा है 42 पे हैं, आराम से 50 रन कर सकते हैं अपने अगर देखा जाए तो। जी हाँ, इस बार बाउंड्री लगी है, 46 पे पहुंच जाएंगे, इसी के साथ सिर्फ 4 रन का डिफरेंस है। फील्डर ने काफ़ी कोशिश की यहाँ पर, डीप में खड़े हुए फील्डर ने लॉन्ग ऑन पे कि गेंद को पकड़ा जाए, लेकिन काफ़ी दूर रही अंत में, और बहुत ही आसानी से 4 रन मिले यहाँ पर। फील्डिंग चेंज होते हुए अब अकल आई है थोड़ी बहुत, पर देखना होगा नई फील्डिंग सेटअप किस तरह का है। ख़राब सेटअप, बहुत ही ख़राब फील्डिंग सेटअप मैं कहूँगा इसको, तो पिछली बार से भी ख़राब है, वैसा ही है पिछली बार जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। और एक और बाउंड्री, 28 गेंदों में 50 रन किया है यहाँ पर, 22 गेंदों में किए थे रोहित शर्मा ने, और 28 गेंदों में किया है यहाँ पर पेन कटिंग ने, तो अच्छी बात है दोनों तरफ से बैट्समैन लगे हुए हैं रन बनाने में, मौका देख रहे हैं, जहाँ गैप मिल रहा है ढूंढ रहे हैं। फील्डिंग सेटअप भी भगवान की दुआ से इनके लिए बिल्कुल सही है, तो फिर विन विन सिचुएशन में ही है इस समय तो रोहित शर्मा की मुंबई। देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है, एक और बाउंड्री है, तो पिछली बार से भी बेहतर शॉट खेला है, 54 पे पहुंच गए इसके साथ, और रोहित शर्मा से आगे निकल गए अगर रन की बात करें तो। सामने बिल्कुल सीधा खेला हुआ शॉट यहां पर, और आखिरी ओवर किसको मिलेगा, हेंड्रिक्स को दिया गया, देखते हैं इनका बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा रहा है आज के मैच में, जो इनको आखिरी ओवर दिया गया है, पहला ओवर डाल रहे हैं, बहुत देखने लायक होगा तब तो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं आज के दिन। पहला ओवर वो भी आखिरी ओवर, पहली गेंद और 4 रन खाएंगे, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर हैं, और देखना होगा कितने रन करते हैं, 200 क्रॉस कर गई मुंबई, यानी हम लोगों ने इतना बड़ा स्कोर तो खड़ा कर दिया है कि जिसको हम आराम से डिफेंड कर सकें, लेकिन हमें ये बात नहीं पता है कि जब हम बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं तो हमारा अपोनेंट भी बड़ी कोशिश करता है, तो जितना बड़ा स्कोर उतना बड़ा मैच, उतना रोमांचक मैच होने की उम्मीद रहती है, तो हमारे लिए अच्छी सिचुएशन है यहाँ पर, हमारे व्यूवर्स के लिए एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। 3 की कोशिश हम लोग कर रहे हैं लेकिन नहीं दौड़े, शायद नहीं दौड़े, ऑप्शन हट जाता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन हट जाता है रन का। अब थोड़ा रिस्क लेने की इच्छा हो तो रही है, पर देखते हैं, चलिए लेते हैं रिस्क। ओ बीट हुए हैं यहाँ पर रोहित शर्मा, डॉट चली गई है गेंद, इस बात का हमें अफसोस है, रिस्क लिया था लेकिन
तो क्रेडिट तो जाएगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हमने रिस्क नहीं लिया था। हम लोग फिर से यहाँ पर बाउंड्री की कोशिश करेंगे और यहाँ पे बोल्ड हुए हैं। ये काफी अजीब शॉट था, उनके बैट का जो निचला हिस्सा था, जो कॉर्नर था, वो एज लगा है बैट पे और वो गेंद जो थी फुल लेंथ थी, तो यॉर्कर लेंथ पे बोल्ड हुए हैं, एक्चुअली कट एंड बोल्ड हुए हैं कहा जा सकता है। और काफी अजीब विकेट था, रिप्ले हम जरूर देखेंगे। बहुत जो वियर्ड डिसमिसल होता है ना, उस तरह का ये था, खेला था शॉट और स्टंप का हल्का सा बोल्ड हुए हैं। यहाँ पर किरण पोलार्ड को हम लोग भेजने, हमारे पास ऑप्शन था पंड्या ब्रदर्स का, लेकिन पोलार्ड पे हमें ज़्यादा विश्वास है। तो देखते हैं, चार गेंदों में छः रन, एक बहुत बढ़िया ओवर जाता हुआ। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा ओवर करेंगे हेनरिक्स, पर अभी तक तो शानदार ओवर। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री लगी है, 10 रन हो गए ओवर से। हम चाहेंगे एक और बाउंड्री कम से कम लगे ताकि 14 रन आए, क्योंकि आखिरी ओवर में 10 रन तो कम है, खास करके तब जब आपकी पूरी टीम ऑलरेडी 10 के रन रेट से खेल रही है। 210 फील्डिंग चेंज हुई है, सामने की तरफ प्लेयर नहीं, हम लोग चलिए पीछे की तरफ खेलते हैं, कोशिश करते हैं मारने की, बैट पे लगे बस। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर किरण पोलार्ड का, देखना होगा, नहीं बाउंड्री है, वन बाउंस, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से एंड किया है। दो गेंदें खेलने को मिली थी और दोनों पे चौके में लगाए हैं यहाँ पर, और 14 रन से आखिरी ओवर समाप्त होता हुआ। और ये है स्कोर कार्ड, लुइस ने बढ़िया पारी खेली है, यादव ने अच्छी पारी खेली है, किशन जल्दी आउट हो गए, बाकी सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। बॉलिंग कार्ड में एक एक विकेट आया, राजपूत, शमी, अश्विन और हेनरिक्स को सबसे अच्छी बॉलिंग की है आज के दिन, सभी की धुलाई हुई है लगभग, तो हमने 9-9 के ऊपर रन दिए, एक एक ओवर की बात नहीं कर रहे हम लोग। और यह है आज का छोटा सा स्कोर कार्ड, 214 के टारगेट को चेज करेगी पंजाब यहाँ पर, और देखना होगा किस तरह से वो खेलेंगे आखिर के 5 ओवर। जनरली जब लो स्कोरिंग मैच होता है तब होता यह है लो स्कोरिंग मैच में कि हमारे अपोनेंट शुरू में एक दो ओवर आराम से खेल पाए, लेकिन आज का जो मैच है वो हाई स्कोरिंग मैच है, यानी हमारे बॉलर्स की भी धुलाई होगी, तो हमें भी रेडी रहना होगा उस तरह से मेंटालिटी के हिसाब से। राहुल और गेल आ रहे हैं, हम सबको पता है ये दोनों किस तरह के ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, और ऑटो प्ले हम लोग करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। हमने जानबूझ के कुणाल पंड्या को ओवर दिए ताकि स्पिनर के ओवर या पार्ट टाइम बॉलर जो है उनके ओवर ख़त्म हो जाएं, लेकिन मारकंडे को भी ओवर दे रहे हैं हम लोग, और हम चाहेंगे कि हमारे मेन बॉलर्स बचे रहें अंत में ताकि बॉल और बैट के बीच में ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन देखने को मिले। 85 पे दो विकेट गए हैं, कौन कौन, राहुल आउट हो गए हैं, गेल खेल रहे हैं लेकिन, और हेनरिक्स आउट हो गए हैं, तो देखना होगा क्या होता है, क्या गेल अंत तक बचे रहेंगे तो हमारे लिए चिंता की बात है। गेल आउट हो गए हैं, अच्छी बात है गेल आउट हो गए। नायर और सिंह खेल रहे हैं, करुण नायर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, 19 गेंदों में 30 रन, सिंह 15 गेंदों में 19 रन है, सपोर्ट मोड में है, लेकिन अब क्या करेंगे वो देखना होगा। बुमराह से शुरुआत करा रहे हैं, हमारे पास मलिंगा है तो बॉलर तो बड़े बड़े हैं, 30 गेंदों में 86 रन, ऑलमोस्ट 18 का रन रेट के सामने खेल रही है यहाँ पर, बहुत बढ़िया गेंद, पहली गेंद के हिसाब से अच्छी गेंद है, ग्रीन लाइन टच हुई है हल्की सी, देखते हैं क्या खेलते हैं, शॉट, ग्राउंड शॉट, और कोई रन नहीं, यहाँ एक एक गेंद इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग एक दो गेंदें भी यानी अच्छी तरह से डालते हैं, हर एक गेंद इंपॉर्टेंट है, तो हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा डॉट डालने की। बहुत बढ़िया डिलीवरी आई है, देखना होगा बुमराह की इस गेंद का किस तरह से खेलते हैं। गेंद ज़्यादा आगे गई नहीं है, प्लेयर मौजूद भी नहीं है, 2 रन मिल गए हैं, कास्ट विकेट मिल जाता है इस गेंद पर, 2 गेंदों में 2 रन। हम आप सभी ने देखा अभी कि जो बैट्समैन है उसकी कोशिश तो थी सिक्स मारने की, लेकिन गेंद इतनी अच्छी थी, और इस बार ख़राब गेंद है तो इस बार शायद सिक्स पड़ेगा। जी हाँ, ख़राब गेंद आज के दिन नहीं छोड़ी जाएगी, ये रोज़ जैसा मैच नहीं, ये लो स्कोरिंग मैच की यहाँ पर अपोनेंट एक दो गेंद जाने देगा यहाँ पर, तो हर एक ख़राब गेंद को के साथ ख़राब व्यवहार किया जाएगा। 27 गेंदें, 78 रन हो गए हैं, 18 का जो रन रेट था वो धीरे धीरे कम होता हुआ, 8 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में, बढ़िया गेंद है, ग्रीन लाइन हल्का सा टच हुई है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं डॉट की हम लोग। और यहाँ पर एक विकेट मिलता हुआ, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर हम कहेंगे, इससे पहले भी मौका आया था, करुण नायर समझ नहीं पाए थे, और इस बार भी अग्रेसिव खेलने गए, जैसा कि हमने आपको कहा है कि ये मैच हाई स्कोरिंग है, यानी अपोनेंट भी कोशिश करेगा मारने की, और हमारे पास वही मौके होंगे कि हम लोग अपोनेंट को आउट करें जब वो अग्रेसिव खेले और हम लोग अच्छी गेंद डाल दें।
पे देखिए खेलने की कोशिश तो बढ़िया थी लेकिन प्लेयर के हाथों में विकेट गंवा दिए तो फिर फ्लॉप हुए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट विकेट मिला है, मिलर आए हैं खेलने, हमें 2 विकेट और चाहिए होगा। और हमारे पास अभी तो मलिंगा बचे हुए हैं, एक बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के जो इस समय सबसे बड़े नाम हैं, बुमराह हैं, मलिंगा हैं। और यहाँ पर लेकिन जी नहीं, बाउंड्री नहीं जा रही, क्या होगा यहाँ पर, 2 रन आएगा शायद। जी नहीं, सिंगल से ही संतुष्ट करना पड़ा है यहाँ पर मिलर को। और सिंह को स्ट्राइक दी गई है। अब सिंह का अभी तक का परफॉर्मेंस देखें तो 15 गेंदों में 19 रन है, कुछ ज़्यादा अग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये ख़राब गेंद का फ़ायदा उठाना होगा इनको, बहुत ही ख़राब गेंद है बुमराह की। बिल्कुल सही फैसला सिक्स मारने का, तो ओवर तो थोड़ा महंगा हो गया क्योंकि 12 रन तो 2 सिक्स से आ गए, उसके अलावा एक डबल लिया था, एक सिंगल लिया था, यानी 15 रन तो आ ही गए हैं 6 गेंदों में। और ख़राब ओवर में कहूँगा 15 रन आए तो। मलिंगा को बुलाया गया है, देखते हैं कितनी ओवर इनकी बाकी है, इनकी 2 ओवर बाकी है, यानी हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे। मिलर आए हैं, हम सबको मालूम है कि किलर बन सकते हैं अगर इनको रोका नहीं गया तो। 4 विकेट गिर चुकी है, अगर 2 विकेट आ जाती है हमारे पास तो मेरे ख्याल से चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। 23 गेंदे 71 रन, 18 क्रॉस कर चुका है रन रेट, यानी यहाँ पर पंजाब के बॉलर बैट्समैनों को थोड़ा अग्रेसिव खेलना होगा, मैच को जीतना है और अंत की ओवर तक नहीं जाने देना है। यहाँ पर देखना होगा विकेट गंवाते हुए डेविड मिलर, स्लोवर गेंद के भरोसे गए थे, यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पर मिलर का विकेट बहुत ही सही टाइम पे मिल गया है, मलिंगा ने अपना कमाल किया है। स्लोवर यॉर्कर से, स्लोवर गेंद थी, ऑलमोस्ट फुल लेंथ थी, यॉर्कर तो नहीं कहेंगे लेकिन फुल लेंथ डिलीवरी जरूर थी। यहाँ पर काफ़ी आगे गिरी थी, देखिए काफ़ी आगे गिरी थी, बैट पे लगते ही सीधे हाथ में गई है, दूसरा विकेट मिलता हुआ। अगर अब बैट्समैनों की बात करें, अगर एक विकेट मिल जाता है हमें तो अश्विन आ जाएंगे, यानी बैट्समैन बहुत ही कम होंगे यहाँ पर, हम बैट्समैन कह सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ग्रीन मीटर कितना बड़ा आ रहा है, चक्रवर्ती रन तो बना सकते हैं उसमें कोई शक नहीं है हमको, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है क्या अंत तक टिके रहेंगे चक्रवर्ती, वो देखना होगा। देखिए ख़राब गेंद डाली और 6 रन मिला है मलिंगा को, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप ख़राब गेंद डालेंगे तो आपको बहुत बुरी तरह से धुलाई होगी आपकी। ग्रीन लाइन पे है, विश्वास नहीं कर सकते ग्रीन लाइन का, पर देखते हैं क्या होता है। इस बार देखना होगा कैच आउट होते हुए, मलिंगा यहाँ पर बहुत बढ़िया फॉर्म में है और अपने आप को दिखा दिया कि उम्र के साथ वो और बेहतर हो गए हैं। पिछले सीजन में इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे लेकिन इस बार फुल ऑन है फॉर्म में। चक्रवर्ती का विकेट गिरा है और मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि अगर 2 विकेट आ जाते हैं हमारे पास तो मेरे ख्याल से यहाँ से मैच आसान हो सकता है, अगर हम एम सिंह को ज़्यादा स्ट्राइक ना लेने दें तो, क्योंकि जो बैट्समैन बचे हुए हैं वो बैट्समैन है ही नहीं, प्योर बैट्समैन जिसको हम कहते हैं कि एक विश्वास बैट्समैन जिसे कहते हैं वो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंह भी बीट होते हुए, वो भी ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, 6 जरूर मारा था, ये 15 गेंदों में 19 रन थे, उसके बाद 6 लगाए। यहाँ पर अश्विन आए हैं, आप कप्तान हैं, थोड़ी बहुत पारी खेल सकते हैं लेकिन मैच विनिंग भरोसा नहीं है मेरे को इन पर। 19 गेंदें 64 रन, मैच धीरे धीरे हाथ से निकलता हुआ, यहाँ पर देखना होगा क्या होगा, शायद गैप में होगी गेंद। जी नहीं, यहाँ पर बहुत ही जल्दी रनिंग स्टार्ट कर दी थी फील्डर ने, बॉल के नीचे पहुँच गए थे जब तक गेंद उन तक पहुँची, और एक आसान कैच। और मेरे ख्याल से अभी तक की मेरे रिसेंट जितने मैचेस रिकॉर्ड किए उसमें 1 ओवर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है मलिंगा ने, बहुत ज़बरदस्त विकेट मिलता हुआ। और इसका श्रेय जाता है बैट्समैनों को भी, क्योंकि इतने ज़्यादा रन बना दिए हैं बैट्समैनों ने कि अगर यहाँ पर पंजाब के बैट्समैन मिस भी करते हैं गेंद तो फिर दबाव बढ़ जाता है उनके ऊपर। और हार्दिक पंड्या को हमने ओवर देने का फैसला किया है, बुमराह का ओवर ख़त्म हो गया है, बैन कटिंग है हमारे पास, पॉलार्ड है, तो मुंबई इंडियंस का बॉलिंग पावर तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है, यहाँ तक कि कप्तान रोहित शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं, काम चलाओ। अब ये गेंद ख़राब है, हल्का सा ग्रीन लाइन टच नहीं हुई है शायद, और फिर भी यहाँ पर विकेट लेते हुए एम सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अब सब कुछ एम सिंह के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से मैच में थोड़ा बहुत भी कुछ बचा हुआ है पंजाब के लिए तो वो सिर्फ सिंह ही चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर तो अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे नहीं लगता है कि सिंह भी मैच जिता सकते हैं यहाँ पर।
अरे वाह, बढ़िया शॉट, गेंद अच्छी थी, गेंद अच्छी थी, शॉट भी बढ़िया था, और उसी के कारण सिक्स पड़ाया हमें, और थोड़े बहुत रन ऐड होते हुए। अभी रन रेट की बात करेंगे हम लोग इसके बाद, 21 का हो गया रन रेट, यानी अभी भी तीन से ज़्यादा रन हर एक गेंदों में चाहिए। हल्का सा ग्रीन लाइन टच हुआ है हार्दिक पंड्या का, ये गेंद देखते हैं क्या खेलते हैं। खेला है अग्रेसिव शॉट। अब मैं इसी बारे में बात कर रहे थे कि बैट्समैनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप डिफेंसिव खेलेंगे, अगर एक ओवर भी यहाँ अच्छा चले जाता है तो फिर रन रेट जो है वो हर एक गेंद में 5 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, और अगर एक ओवर उनके लिए, बैट्समैनों के लिए अच्छा चले जाता है तो फिर भी उनको टक्कर तो देनी ही पड़ेगी आखिरी गेंद तक। अगर बैक टू बैक खेल रहे थे, बहुत यार थ्रो किया है, वाह, बहुत रेयर होता है ऐसा कि फील्डर रन ना लेने के बावजूद भी थ्रो करे, और यही मुंबई का जोश दिखाता है। बहुत बढ़िया गेंद है ये, विकेट मिल सकती है इस गेंद पर, जी नहीं, ये क्या है, सिंह यहाँ पर 3 सिक्स लगा चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि रन रेट जो है वो बढ़ रहा है, ये रन रेट बढ़ रहा है, घटने के बजाय बढ़ रहा है, क्योंकि 21 का रन रेट है, अभी 18 रन आए 5 गेंदों में, और अभी 1 सिक्स नहीं लगा अगर, तो मेरे ख्याल से ये ओवर उतना कुछ खास नहीं कहलाएगा। देखिए स्टम्प छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है पता नहीं, और बढ़िया गेंद भी डाली है हमने, मेरे ख्याल से विकेट मिल सकती है, बोल्ड भी कर सकते हैं हम इनको, जी नहीं बोल्ड तो नहीं हुए, देखना होगा प्लेयर आते हैं कि नहीं, जी नहीं, यहाँ पर 2 रन ले लिया है सिंह ने, 20 रन आते हुए ओवर से, 21 का रिक्वायर रन रेट था, तो घूम फिर के अभी भी रन रेट बढ़ा है, अभी तक का इनका सबसे बेस्ट ओवर गया ही है, लेकिन फिर भी रन रेट के मामले में पीछे हैं। मलिंगा को बुलाया गया, ओवर है, और अगर पिछले बार जैसा परफॉर्मेंस कर दिया, देखिए शमी यहाँ पर घबराए होंगे, अगर पिछली ओवर जैसा भी कर दिया परफॉर्मेंस तो यहाँ पर तो ऑल आउट हो जाएगी पंजाब। 19वां ओवर चल रहा है, रिक्वायर रन रेट 22 का है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर शमी को करनी होगी, स्ट्राइक रोटेट, वो कर दिया इन्होंने किसी तरह, स्ट्राइक रोटेट कर दिया है, 3 विकेट ले चुके हैं मलिंगा यहाँ पर, 4 विकेट सॉरी, 3 ओवर 3 विकेट तो पिछली ओवर में ही लिया था। खराब गेंद, खराब गेंद यहाँ पर, 11 गेंदों में 43 रन चाहिए, अगर एक गेंद भी डॉट जाएगी, ओ ये क्या था, ये क्या था, मैं समझ नहीं पाया, ऐसा लगा बैट पे लगी, फिर पैर पे लगी, और फिर स्टंप मिस कर गई है गेंद। अच्छा लगता है ऐसे कुछ मूवमेंट्स आते हैं अलग टाइप के, तो देख के अच्छा लगता है। इससे पहले रोहित शर्मा का भी आया था, और यहाँ पर ये वाला मूवमेंट आया है, 2 गेंदें डॉट डाल दिए मलिंगा ने, अपना काम तो कर दिया है। अब यहाँ से अगर मैच जीतती है तो फिर चमत्कार होगा पंजाब के लिए, तो देखते हैं, चमत्कार हो चुके हैं पहले भी, इस बार ना हो तो अच्छा है हमारे साथ। यहाँ पर खराब गेंद, 6 रन झेलना पड़ेगा, अभी हालात ये हैं कि हर एक गेंद पे चौका चाहिए। यहाँ पर 6 लगा दिया, यानी अगर 2 रन भी आते हैं पिछले ओवर में तो कवर हो जाएगा, लेकिन 50 रन की पारी, एक बढ़िया पारी एम सिंह की, क्योंकि 15 गेंदों में सिर्फ 19 रन थे, और अभी इन्होंने रन जो किए हैं वो 33 रन किए हैं 10 गेंदों में, 10 गेंदों में भी नहीं, 6 गेंदों में, नहीं 10 गेंदों में, जी हाँ 10 गेंदों में 33 रन, जरूरत और अच्छे रन की है। यहाँ बहुत बढ़िया गेंद है, ग्रीन लाइन टच हुई है, ये तो कंफर्म है, देखते हैं पीछे की तरफ खेला है, 6 रन और ऐड होंगे यहाँ पर, ये फ़र्क हो जाता है अगर आपकी टीम में अच्छे बैट्समैन हो, अगर क्रीज पे एक अच्छे बैट्समैन और होता है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि पंजाब यहाँ पर मैच जीत सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग मोहम्मद शमी को स्ट्राइक पर रखते हैं ये ओवर के बाद, लंबे समय तक 1-2 गेंदें और रख लेते हैं अगर, तो मेरे ख्याल से मैच पूरा हो जाएगा यहाँ पर पंजाब के लिए। अभी मैच में बना हुआ है पंजाब, यहाँ पर देखना होगा क्या गैप में गई है, जी नहीं, सिंह का जो अपीयरेंस था वो पूरा होगा यहाँ पर इस मैच में। मलिंगा ने अपना काम कर दिया है, भले ही थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, लेकिन यहाँ पर सिंह का विकेट मिल गया, और सिर्फ 1 विकेट बाकी है अब, और वो विकेट लेते ही यहाँ पर जीत जाएगी मुंबई। 6 गेंदें 31 रन, हर एक गेंद पे 5 रन के आसपास रन चाहिए, मेरे ख्याल से पहली गेंद पे विकेट मिल जाएगा मेरे को लग रहा है। पंड्या डाल रहे हैं गेंद, यॉर्कर लेंथ है, पीछे की तरफ खेला है, 6 लगाया है। अब शुरुआत तो ऐसी टक्कर वाली की है कि हम लोग जो आसानी से लेने वाले थे मैच को, वो अब थोड़ा नहीं लेंगे, हम लोग सीरियस होंगे थोड़ा। 6 गेंदों में 31 रन थे, अब रह गए हैं सिर्फ 25 रन 5 गेंदों में, और यॉर्कर लेंथ ही हम लोग रखेंगे।
ग्रीन मीटर बहुत बड़ा है, उसका फ़ायदा उठाना होगा हमें, या ख़राब गेंद डाली है और ख़राब गेंद को तो पड़ेगी आपको। अगर आपको अच्छी गेंदों पे सिक्स पड़ रहा है तो आप ख़राब गेंदों पे तो कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा। या ख़राब गेंद डाली थी हार्दिक पांड्या ने, लेकिन वही हुआ जो होना था। इस बार अच्छी है, इस बार अच्छी गेंद है, पर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन नहीं, गैप में गई है, इसे कहते हैं किस्मत। यहाँ पर दो रन शायद आएंगे, नहीं एक ही रन लिया है। पता नहीं क्यों शमी को लेने दिया स्ट्राइक, गलती की है मेरे ख्याल से, शमी को स्ट्राइक पर नहीं रहने देना था। अब हर एक गेंद पे छः रन चाहिए, देखना होगा शमी किस तरह की बैटिंग करते हैं। एक्सपेक्टेशन तो है नहीं इनसे ज़रा भी, ख़राब गेंद डाली है यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने, पर फिर भी शॉट नहीं लगाए, क्योंकि रीज़न बहुत साफ है, बैट्समैन में इतना पावर है नहीं, इतने ख़ास बैट्समैन है नहीं, तो फिर कहाँ से सिक्स लगेगा। और इसी के साथ यहाँ पर दो गेंदों में 17 रन, अब तो 9 बॉल ही जिता सकता है इसको, वो होने वाला है नहीं। आखिरी गेंद ऑल आउट होगी कि नहीं वो देखना होगा, सर्वाइव कर जाएगी मेरे ख्याल से। एक सिक्स लगाया राजपूत ने, अगर वो दो रन ले लिए होते ना तो अभी करने होते रन इनको, काफ़ी कम रन करने होते हैं क्योंकि दो रन हो जाता है, और शायद राजपूत इससे पहले वाली गेंद पे भी सिक्स लगा सकते थे, तो अभी सिर्फ 4 या 5 रन करने होते हैं आखिरी गेंद पे, लेकिन अभी 11 रन करने जो कि इम्पॉसिबल है। ख़राब गेंद पांड्या की, एक बात माननी पड़ेगी, अगर ये मैच लो स्कोरिंग होता तो पांड्या साहब ये मैच हमारे गंवा चुके होते पूरे टीम के लिए। मैच जीता तो है यहाँ पर मुंबई इंडियंस, और यही फ़ायदा होता है जब आप बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं, क्योंकि छोटे स्कोर में आप मैच जीतने से रहें तो फिर कोशिश करनी चाहिए हर बार बड़ा स्कोर खड़ा करने की। देखिए लसित मलिंगा का नाम देखिए, मिडल ऑर्डर को तो पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया हार्दिक पांड्या ने ओपनिंग में। अरे मलिंगा ने 5 विकेट लिए हैं जी हाँ, ओपनर को आउट किया है, उसके अलावा मिडल ऑर्डर को तो पूरा ख़त्म कर दिया है। और मेरे ख्याल से मलिंगा को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, रोहित शर्मा के साथ क्लोज कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, क्योंकि पर मेरे ख्याल से मलिंगा को मिलना चाहिए, क्योंकि कई बैट्समैनों ने अच्छा खेला है मुंबई की तरफ से। तो जी हाँ, लसित मलिंगा को मिलता हुआ देख के अच्छा लगता है किसी बॉलर को मैन ऑफ द मैच जब मिलता है, क्योंकि बहुत रेयर होता है ऐसा कि बॉलर को सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग परफॉर्मेंस के कारण मैन ऑफ द मैच मिले। और इसी के साथ मैच नंबर 23 हो रहा है समाप्त, मुंबई और पंजाब के बीच में, जिसे जीता है मुंबई ने 4 रनों से। और चल इसी के साथ वीडियो को भी करते हैं हम लोग एंड, मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस तरह अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।